मैं मैं मूर्ख मूर्ख की की खेतक खेतक बात बात है, है, कोट कोट पर पर अधि अधितरया तरियारे, रे, गुरु गुरु नानक नानक जिन जिन सुनिया सुनिया पेखिया, पेखिया, से से फिर फिर घर गर्भास भास न न भरिया भरिया रे। रे। ज्ञान ज्ञान ध्यान ध्यान किस किस कर्म कर्म न न जाना, जाना, सार सार न न जाना जाना तेरी, तेरी, सब सब ते ते वड्डा वड्डा सतगुर सतगुर नानक, नानक, जिन जिन कल कल रखी रखी मेरी। मेरी। परम परम सम्मान सम्मान जो जो सतगुरु सतगुरु पातशाह पातशाह आज आज श्री श्री गुरु गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहिब साहिब जी जी महाराज महाराज जी जी दी दी साजी साजी निवाजी, निवाजी, गुरु गुरु प्यारी प्यारी गुरुस्वारी गुरुस्वारी साध साध संगत संगत जीओ, जीओ, सचे सचे पातशाह पातशाह जी जी दी दी बख्शिश बख्शिश प्राप्त प्राप्त करिए, करिए, रसना रसना नू नू करो करो पवित्र पवित्र जी। जी। आखो आखो जी जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। साध साध संगत संगत जी, जी, आज आज जगत जगत गुरु गुरु बाबा बाबा आप आप नारायण नारायण कलातार कलातार जग मह जग मह परवरयो, परवरयो, साहिब साहिब सचे सचे पातशाह पातशाह श्री गुरु श्री गुरु नानक देव नानक जी देव जी महाराज जी महाराज दा जी दा प्रकाश प्रकाश पुरब पुरब पूरे पूरे संसार संसार दे दे विच विच नानक नानक नाम नाम लेवा लेवा सिख सिख संगतां संगतां मना मना रहियां रहियां ने। ने। सतगुरु सतगुरु जी जी दे दे पावन पावन पवित्र पवित्र जीवन जीवन विच विच बहुत बहुत ही ही अनोखियां अनोखियां इहो इहो जियां जियां साखियां साखियां हन। हन सतगुरु जी सतगुरु दा जी दा जीवन जीवन जो जो बयान बयान करिए करिए पढ़िए पढ़िए बड़ी बड़ी हैरानी हैरानी हुंदी हुंदी है है कि कि सतगुरु जी सतगुरु दे जी दे जीवन दे जीवन दे विच विच बहुत बहुत सारे सारे लोग लोग आए आए और और सतगुरु जी सतगुरु जी ने ने अनेकां ही अनेकां ही जीवां दा जीवां दा भला भला कीता, कीता, किन्निया क किन्निया दा क्या भला भला कीता। कीता। भाई भाई गुरदास जी गुरदास जी लिखदे लिखते ने, ने, कहंदे ने, कहंदे ने, जिवें जिवें इक एक मलाह मलाह अपनी अपनी बेड़ी बेड़ी विच विच लोकां नू लोकां नू बिठाउंदा बिठाउंदा है, है, एक एक किनारे किनारे तों तो दूजे दूजे किनारे किनारे ते ते पहुंचा पहुंचा दिंदा दिंदा है। है। सवेर सवेर तों तो लै लैके के शाम शाम तक तक हर हर रोज रोज वो वो लोकां लोकां नू नू पार पार कर कर रिहा है। रिहा है। लेकिन लेकिन जे जे उसनू उसनू पूछ पूछ लिया लिया जावे जावे कि कि अज अज तक तक तू तू अपने अपने जीवन जीवन विच विच किन्ने किन्ने लोकां लोकां नू नू नदी नदी तों तों पार पार लंघाया लंघाया है, है। ते ते वो वो आखेगा आखेगा मेरे मेरे कोल कोल गिनती गिनती कोई कोई नहीं, नहीं, किन्ने क किन्ने आए ने, आए ने, किन्ने क किन्ने क चले चले गए गए ने, ने, किन्ने क किन्ने क इस इस बेड़ी बेड़ी विच विच बैठे बैठे ने, ने, किन्ने किन्ने क क पार पार चले चले गए गए ने, ने, मेरे मेरे कोल कोल कोई कोई गिनती गिनती नहीं। नहीं। इसे इसे प्रकार प्रकार गुरु गुरु नानक नानक साहब साहब जी जी दा दा जीवन जीवन देखिए, देखिए, गिनती गिनती कोई कोई नहीं नहीं कि कि कितने कितने क क ऐसे ऐसे ने ने जिन्हां नू जिन्हां गुरु नू गुरु नानक नानक साहब साहब महाराज महाराज ने ने उतार उतार दिता। दिता। एक एक सज्जन सज्जन ठग ठग नहीं, नहीं, पता नहीं पता नहीं सतगुरु जी सतगुरु दे जी दे जीवन जीवन विच विच किन्ने किन्ने क क इहो इहो जे जे ठग ठग मिले मिले जिन्हां जिन्हां नू नू सच्चे सच्चे पातशाह पातशाह जी जी ने ने ठगी ठगी तो तो दूर दूर कर कर दिता दिता ते ते वाकई वाकई उन्हां उन्हां दा दा जीवन जीवन सज्जन सज्जन बना बना दिता। दिता। सतगुरु जी सतगुरु जी दे दे जीवन दे जीवन दे विच विच पढ़ के पढ़ के देखिए, देखिए, सतगुरु जी सतगुरु दी जी दी बाणी विच बाणी पढ़ विच के पढ़ के देखिए। देखिए। जे जे बाणी बाणी विच विच भी भी पढ़ पढ़ के के देख देख लीए लीए ना, ना, 974 974 शब्द शब्द ने ने गुरु गुरु नानक नानक देव देव पातशाह पातशाह जी जी दे दे गुरु गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहिब साहिब महाराज महाराज दे दे अंदर अंदर इन्हां इन्हां सारियां सारियां शब्दां शब्दां दे दे विच विच इक इक वारी वारी भी भी गुरु गुरु नानक नानक साहिब साहिब महाराज महाराज जी जी ने ने यह यह जिक्र जिक्र नहीं नहीं कीता कीता कि कि मैं मैं अपने अपने जीवन जीवन दे दे विच विच किस 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 मनुख मनुख नू नू उतारिया। उतारिया। बल्कि बल्कि इह इह गल गल जरूर जरूर कहंदे कहंदे ने ने श्री श्री राग राग दे दे विच, विच, तेरा तेरा एक एक नाम नाम तारे तारे संसार, संसार, मैं मैं एहा एहा आस आस एहो एहो आधार, आधार, कि कि परमेश्वर परमेश्वर दा दा नाम नाम ही ही दुनिया दुनिया नू नू उतार उतार सकदा सकदा है, है, परमेश्वर परमेश्वर दा दा नाम नाम ही ही दुनिया दुनिया नू नू भवसागर भवसागर तो तो पार पार कर कर सकदा सकदा है। है। जेकर जेकर मनुख मनुख दा दा भला भला होना होना है है किसे किसे चीज चीज दे दे नाल, नाल, किसे किसे ढंग ढंग दे दे नाल, नाल, केवल केवल ते ते केवल केवल नाम नाम दे दे नाल। नाल। असाम असाम दी दी धरती धरती ते ते धन धन सचे सचे पातशाह पातशाह श्री श्री गुरु गुरु नानक नानक देव देव जी जी महाराज महाराज गए गए ने, ने, इत्थे इत्थे इक इक सिख सिख मिलिया मिलिया साहब साहब जी जी नू, नू, हूबहू हूबहू बिल्कुल बिल्कुल दूजा दूजा भाई भाई लालो। लालो। ते ते महाराज महाराज जी जी कहंदे कहंदे ने, ने, इत्थे इत्थे बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई लालो लालो वर्गा वर्गा ही ही है। है। इसदा इसदा नाम नाम सी सी भाई भाई झंडा झंडा वाढी, वाढी, वाढी वाढी लक्कड़ दा लक्कड़ दा काम काम करदा करदा सी। सी। ते ते जदों जदों सच्चे सच्चे पातशाह पातशाह जी जी दी दी रोज रोज संगत संगत कीती, कीती,
रोज ही सच्चे पातशाह दी संगत कर करके अपना जीवन निहाल कीता। जीवन दे विच सुधार आया। जीवन दे विच सतगुरु जी दे दिते हुए ए उपदेश किरत करो, नाम जपो, वंड छको। ये सच्चे पातशाह जी दे उपदेशां नूं धारण कीता। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे रहण वाले अनेकां लोकां दा भला कीता, जिन्हां जिन्हां ने सतगुरु जी दी संगत कीती। एक दिन भाई झंडा बाढ़ी सतगुरु पातशाह जी नूं सवाल करदा है, कहिंदा महाराज जितनी आप जी ने मैनूं बाणी लिखाई है वह सारी की सारी बाणी मैं कंठ कर ली है, मैनूं जबानी कंठ है। तो हर रोज उस बाणी का मैं पाठ भी करदा, नेम भी निभाउंदा, पर आप जी के अगे एक बेनती है। मेरे मन का एक सवाल है, तो बड़ा तंग कर रहा सवाल। सतगुरु जी कहते कि कह लगा महाराज जितनी तुसी बाणी लिखाई सारी बाणी कंठ भी कर ली, रोज उस बाणी का नेम भी निभाउंदा हाँ, नितनेम भी करदा हाँ, पर मेरा मन नहीं जुड़ता, मेरा मन नहीं टिकता, मन भटकता रहता है। सतगुरु जी कहन लगे तेरी गल मैनू समझ आ गई, चंगा हुण हुण तू मेरे सामने बैठ के हुण बाणी पढ़। जिहड़ी बाणी तू सवेरे अज पढ़ के आया वह बाणी हुण पढ़, पूरा जपजी साहिब। जदों सच्चे पातशाह दे सामने बैठ के भाई झंडा बाढ़ी ने सुनाया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी उहनूं पुछदे ने, कहन लगे दस हुण दस गुरसिखा मन जुड़िया। कहिंदा बालक जी सच्चे पातशाह आप जी दे सामने कदा झूठ, अज तक ऐसा मन कदे जुड़िया ही नहीं जिस तरह अज जुड़िया। अज ते एक सैकेंड वास्ते एक पल वास्ते भी सच्चे पातशाह मेरा मन बाहर नहीं गया। ते साहब सच्चे पातशाह कहन लगे तू दस सकदा भी एक पल वास्ते भी ये मन बाहर क्यों नहीं गया। सतसंगत एक न्यूयॉर्क का विद्वान भी होया, फिलोसफर होया, वह लिखता कहता मेरी 10 साल की खोज इस तत् तक पहुंची है। घड़ी दे उपर मैं नोट किया है सैकेंड वाली जी सूई चलती है ना, कहता 3 सैकेंड तो बाद मन नहीं जुड़ता, मन 3 सैकेंड तो बाद भटकना शुरू हो जाता है। लेकिन जदों गुरु साहब जी की बाणी पढ़ांगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ांगे, तो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह कहते ने एहो मनुआ खिन ना टिकै। ये जिहड़ा मन है ना ये 3 सैकेंड तां की एक खिन भी नहीं टिकदा, एक पल भी नहीं टिकदा। तो भाई झंडा बाढ़ी सच्चे पातशाह दे अगे बेनती करदा महाराज कृपा करो मन टिक जाए। साहब जी कहिंदे बाणी पढ़। उहने बाणी पढ़ी, साहब जी अज तां मन वाकई बहुत टिकिया, अज तां सच्ची मुची मन इहो जिहा टिकिया, इहो जिहा आनंद जिंदगी विच कदे नहीं आया जिस तरह का आनंद अज आया। महाराज कहिंदे अज आनंद क्यों आया, अज मन क्यों टिकिया। कहिंदा महाराज मालक जी ये महाराज थोड़े अगे मैं बैठा, तुसी मेरे सामने बैठे हो, मेरे मन में यह सी भी गुरु नानक साहब महाराज मेरे सामने बैठे ने, तो मैं होर पासे ध्यान क्यों लेके जावां। बिल्कुल ध्यान दे नाल मन जोड़ के मैं बाणी पढ़ी पड़िया, ते जे तुसी मेरे सामने बैठे हो ते तां इस करके मेरा मन भटकदा नहीं, भटकिया नहीं। ते साहब जी मुस्करा के कहन लगे भाई झंडा बाढ़ी इहदा भाव यह होया जदों घर विच बैठ के जां होर किते जा के बाणी पढ़दा है उदों सानू सामने बिठा के बाणी नहीं पढ़दा। कहिंदे आ तेरे सवाल दा जवाब है, जदों भी सिख बाणी पढ़े जदों भी सिख नाम जपे सिख दा मन कदे नहीं भटकेगा। जे सिख यह समझ के बाणी पढ़ेगा, समझ के नहीं माण के बाणी पढ़ेगा, महसूस करके बाणी पढ़ेगा कि गुरु नानक साहब महाराज मेरे सामने बैठे ने, जदों ये ख्याल रखे बाणी पढ़ेगा मन कदे भटकेगा ही नहीं। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ऐसा अनेकां दे नाल कीता। तो साहब सच्चे पातशाह कहन लगे उथों की संगत नूं भी असीं हुण जाणा,
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਜਾਇਓ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜਦਾ ਆ, ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਧੁੰਦ, ਧੁੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਧੁੰਦ ਹੈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛੱਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ, ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ।